कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 आज हम इसका 11वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। आइए इसे करके देखते हैं। 11 हमें दिया गया है प्रथम n पदों का जो योग है वो है 4n माइनस n। इसके हिसाब से यदि हम देखें किसी एपी का जो पहला पद है, अगर किसी एपी में एक ही पद है तो वही उसके लिए a होगा, वही उसके लिए s1 होगा। s1 मतलब एपी में एक पद का योग यानी कि पहला पद, ठीक है। तो यदि हम इसमें s1 निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, उसके लिए इन्होंने बोला वो होगा 4 into n, यानी कितना है 1 माइनस n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 into 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3। इसका मतलब यदि एपी में एक पद है तो उस पदों का उस पद का जो योग है वो 3 है, यानी कि एपी में एक ही पद है तो ये अकेला इसका योग इसी के बराबर होगा। इसका मतलब इस एपी का जो प्रथम पद है वो है यानी कि ए है। आइए इसी फार्मूले के हिसाब से हम पहले दो पदों का योग निकालते हैं S2 के लिए 4 into n, n अब कितना है 2 माइनस n कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 × 8 माइनस 2 का स्क्वायर 2 × 4, तो 8 में से 4 निकाले 4। अब हम यदि ध्यान से देखें तो इस एपी का प्रथम पद था a और पहले दो पदों का योग आया है 4। क्या समझे, पहला पद है 3, दो पदों का योग आया है 4, इसका मतलब दो पदों का योग है 4, यानी कि a1 प्लस a2 बराबर है 4 के। a1 कितना है 3 प्लस a2 हमें नहीं पता 4 के, तो a2 आ गया 4, 3 यहाँ प्लस हो रहा है उधर हो जाएगा माइनस, तो a2 आ गया 1 के। अब यदि हम एपी बनाने की कोशिश करें, तो आप देखिए हमारे पास एपी क्या बनेगी, पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, तो डी कितना होगा, एपी घट रही है इसका मतलब डी नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, 1 में से 3 माइनस हुआ तो वो आ गया माइनस 2। इसका मतलब ये है ये जो एपी है ये 2 घटा रही है, 3 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, इस प्रकार से यह एपी चलेगी। हमें प्रश्न में जो जो पूछा गया है हम वही वही निकालते रहेंगे। हमें इस प्रश्न में पहले पूछा गया इसका प्रथम पद क्या है, तो हमने प्रथम पद निकाल दिया 3। उसके बाद हमसे पूछा प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का जो योग है ये हमने निकाल दिया 4 s2, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा पद क्या है, तो हमने दूसरा पद भी निकाल दिया a2 जो कि है 1 के बराबर। इसके बाद हमसे पूछा इसी प्रकार तीसरे दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यहां से हम d निकाल लेते हैं, d कितना होगा 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2। अब हमें निकालना है पहले तीसरा पद, तो a3 जिसका फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 2d, ठीक है, यही होता है। Yes, sir. पढ़ा था ना हमने। Yes, sir. तीसरा पद यानी a प्लस 2d, तो a कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस 2, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 × 4, तो 4 में से 3 निकाला 1, साइन बड़ी रकम का माइनस।
इसका मतलब ये आ गया इसका तीसरा पद। इसके बाद हमें निकालना है दसवां पद A10। A10 के लिए हम क्या करेंगे, A10 होगा A प्लस 9t के बराबर। तो A कितना है 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है -2। तो ये आ गया 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 दूनी 18। तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 निकाले 15, 7 में साइन बड़ी रकम का। तो ये इसका आ गया दसवां पद। और इस प्रकार से हमें निकालना है nth पद an। तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। a की जगह a की वैल्यू डाल दो, a कितना आया था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 2। ये गुना हो रहा है, ठीक है। आइए इसे हल करके देखते हैं। ये आ जाएगा 3 माइनस 2, जब n से गुना होगा तो ये बन जाएगा माइनस 2n। माइनस 2 जब माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। तो ये आ गया 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। अब 3 में से 2n हमने 1n नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बिना n वाली रकम है, ये n वाली रकम है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो बिना n वाली दो रकमें थी उनको हमने प्लस कर दिया, माइनस 2n साथ में ऐसे किया। इसका मतलब AB का जो n पद होगा वह होगा 5 माइनस 2n। तो आप देखिए हमने सबसे पहले जो जो इस AP में दिया हुआ था हमने वो लिखा था, Sn का हमें फार्मूला दिया हुआ था 4n माइनस n स्क्वायर। इसके हिसाब से हमने पहले निकाला AP का पहला पद जो कि हमारे पास आया 3 के बराबर। इसके बाद हमने देखा दूसरा पद इसी फार्मूले में n की जगह 2 लिखकर, वो हमारे पास आ गया 4। यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि ये जो AP है इसका जो दो पदों का योग है वो है 4, जिसमें से पहला पद है 3, तो दूसरा पद कितना होगा 1 होगा, 3 प्लस 1 तभी 4 होगा ना, है ना। तो इससे हमें पता चला इस AP में पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, तो हमने बाकी AP बनाई, जिससे हमें ये पता चल गया D कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो 1 माइनस 3 जो कि आ गया माइनस 2 के बराबर। अब हमारे पास A भी है D भी है, अब हमें जो मर्जी पूछा जाए हम उसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले पूछा गया A3, तो An का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हमने पहले पढ़ा था। Yes, sir. इसी में हमने A3 होता है A प्लस 2D, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमसे पूछा गया A10, वो होता है A प्लस 9D, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमसे पूछा गया nth पद, वो हमने कैलकुलेट किया a प्लस n माइनस 1d में a की जगह a की वैल्यू डाल के, d की जगह d की वैल्यू डाल के, इसको सॉल्व करके यह AP का nth पद हमें प्राप्त हो गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत कुछ आपसे पूछा हुआ था, लेकिन हमने घबराना नहीं है, हमने ध्यान से हर एक चीज को ध्यान से सोचकर हल करना है, और आप देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें प्राप्त की हैं। तो यही इस प्रश्न का था।